फिर से स्वागत करता हूँ आपके एक नए ब्लॉग में। और हम जा रहे हैं आज जयपुर के हवा महल में और वहाँ के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो अगर आप दिल्ली के अंदर रहने वाले हो और आपको अगर जयपुर घूमने आना है तो जयपुर आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और कुछ इस तरह से आपको स्टार्टिंग हो जाएगी पिंक सिटी की, जो जयपुर के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कुछ इस तरह से पिंक सिटी बनाई हुई है और आप अगर यहाँ पर आएंगे नाइट में तो नाइट का जो व्यू है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। जो सारी जो शॉप्स हैं सारी पिंक पिंक आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी जितनी भी दुकान है मकान है सारे पिंक वगैरह हैं। तो वहां चल के आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ हवा महल के अंदर। पहला जो हमारा टूर होगा वो हवा महल का होगा, उसके बाद जितने भी सारे ब्लॉग होंगे वो आपके एक एक के ऊपर एक आने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आप तक ऐसी वीडियो पहुंच सके। सो पिंक सिटी के बीच में ही हवा महल बना हुआ है और आप करेंगे गाड़ी पार्किंग। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर झरोके और खिड़कियाँ जो है ना, इन्हीं की वजह से हवा बहुत ज़्यादा आती है और हवा महल जो इसका नाम रखा गया है बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक अट्रैक्शन है। सो अंदर चलते हैं। सो हवा महल के पास सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाली बात होती है वो पार्किंग की होती है। सो आपको जो पार्किंग करनी होगी वो आपको सिटी पैलेस का जो पहला गेट है, जो सबसे फर्स्ट गेट जो पड़ता है, उसके साइड में ही आपको पार्किंग मिल जाएगी। वहाँ आपको पार्किंग करनी है, जो 100 रुपये की पार्किंग होगी। इस जगह पर आपको लोग फोटो वगैरह खिंचवाते हुए, आपको रील्स वगैरह बनाते हुए दिख जाएंगे। और रात का जो व्यू यहाँ का होता है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। हवा महल आपको मेट्रो स्टेशन से आना है तो आपको बड़ी चौपर मेट्रो स्टेशन जो है आपको नियर में मिलेगा हवा महल के, जो 50 मीटर के पास में ही है। सो अंदर की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट लुक आपको कुछ इस तरह पड़ेगा। आपको जो है पहला गेट वो ये देखेगा। यहाँ पर आपको जो गाइड करना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक चीज़ बारीकी अगर आपको जाननी है और आपको हिस्टोरिकल प्लेस जाकर आपको जो है ना इंटरेस्ट है, आपको ये चीज़ें जानना, तो आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। सो टिकट की बात करें तो यहाँ का जो टिकट है वो 50 से 52 रुपये हो गया, यानी कि 2 रुपये बढ़ चुके हैं। तो अपना हम लेते हैं टिकट और अंदर की तरफ चलते हैं। यह हवा महल के अंदर का हिस्सा है जहाँ पर आप आएंगे और आपको कुछ ऐसी रोमांचक चीज़ें देखने को मिलेंगी जो वाकई में तारीफ करने लायक है। ये छोटा सा हवा महल का नक्शा है जो आपको दिख जाएगा किस तरह से हवा महल के साइड में और सारा सिस्टम बना हुआ है। देखिए इनको राजपाट से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, इन्होंने राजा वो बनाया था किशन जी को। किशन जी को यहाँ पे गोविंद देव जी का मंदिर है, राजा मान सिंह लेके आए थे, वो पास में बना हुआ है किशन जी का। वहाँ ये उनके दीवार माता को पूजा किया करते थे, बस उन्हीं के नियम रहते थे। 22 इन्होंने रचनाएं लिखी है। 22 राजपाट से मतलब रखते थे, जैसे इन्होंने ही वहाँ मिलकर निर्माण किया। कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहने वाले राजा प्रताप सिंह, जिन्होंने अपने राज्य को ही अपने लिए नहीं श्री कृष्ण जी के लिए छोड़ दिया और कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गए। सो हवा महल का नक्शा मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ किस तरह बनाया हुआ है। मधुमक्खी सी दिखने वाला छत्ता, जिसे बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी के मुकुट जैसा बनाया गया है, और इसका जो है ना प्रयोग जो किया गया है वो लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। सो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आपको आना है गाइड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सारी रोमांचक बातें हैं ना वो एक एक बारीकी से आपको गाइड बताएगा। सो राजस्थानी कल्चर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो है आपको पुराने समय में जिस तरह गाना गाया करते थे और अब भी गाया करते हैं, और कठपुतली का जो खेल दिखाया जाता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर फॉरेनर जो आते हैं बहुत इंटरेस्ट होकर इतना ज़्यादा यहाँ पर गौर करते हैं, इतना ज़्यादा देखते हैं। जयपुर कलाकारी में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं दीवारों पर जिस तरह इन्होंने नक्काशी करी है, कलाकारी जो है ना लाजवाब है। 953 खिड़की इस मधुमक्खी जैसे दिखने वाले छत्ते में, यहां पर आपको बाहर का नज़ारा पूरा दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो रानियां थीं वो पहले जो है ना बाहर का नज़ारा देखा करती थी। यहां से सामने से कोई देखेगा आपको तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से आप उसको देख रहे हो, अगर वो सामने से देखेगा तो चेहरा नहीं दिखेगा।
ऐसे यहाँ पे बनाए गए, ये केवल एक दीवार बनाई गई थी, दीवार इसी की कहा गया। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं शरद मंदिर, शरद मंदिर, शरद मंदिर। वहाँ देखा था प्रताप मंदिर, प्रताप सिंह जी का स्टेज के नाम, इसको शरद मंदिर राजा रहते थे सिटी पैलेस में थे। यहाँ पे आते थे शरद महोत्सव बनाने के लिए, सर्दियों में जितने भी महोत्सव त्यौहार बनते थे छोटे मोटे, वो यहीं बनाए जाते थे, इसलिए इसका नाम शरद मंदिर। तो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, पतली पतली गलियां हैं ऊपर जाने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि बाद में बनाई गई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर पहले सीढ़ियां नहीं थी, क्योंकि जो रानियां हुआ करती थी उनके जो साड़ियां हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा भारी हुआ करती थी। ये वो जगह है जहाँ पर जो राजा प्रताप सिंह थे वो पूजा किया करते थे श्री कृष्ण जी की। और ऊपर की तरफ हमें जाना है, सबसे टॉप पे जाना है और ऊपर का आपको नज़ारा दिखाना है जो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा पतला सा रास्ता है जो ऊपर जाने का है, और हमें सबसे ज़्यादा ऊपर टॉप पे पहुँच कर जो है ना ऊपर का जो नज़ारा आप लोगों को दिखाना है। सो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा नज़ारा, जो कि आपको सामने जंतर मंतर का भी दिख रहा है और हवा महल का जो इनसाइड हिस्सा है वो आपको पूरा कवर दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। और ये बीच में जो फुहारा सब चलता है, और ये जो लाल बलुए से पत्थर से बनाया गया हवा महल जिसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, और जो लाल बलुआ पत्थर है ना वो इतनी बेहतरीन तरीके से यूज़ किया गया है। और इस महल के बारे में बताया जाता है कि ये बिना नींव के बना हुआ पहला ऐसा महल है जो बिना नींव के बना हुआ है। सो काफ़ी ज़्यादा रश है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो ये छत्ते हैं ना, ये मतलब कहने का मतलब ये जो आपको ये छेद दिख रहे हैं इसमें से ये रानियाँ बाहर का जो है ना जो जुलूस निकला करता था उस समय में वो देखा करती थी। उस समय में इतनी पर्दागिरी थी कि वहाँ पर जो है ना राजा का ये मानना था कि रानियों को कोई ना देखे, लेकिन रानियाँ जो देखती थी वो सारा जुलूस वगैरह देखती थी बाहर से, जो परेड वगैरह हुआ करती थी उस समय की। सो ये पूरा पिंक सिटी आपको दिख रहा है ऊपर के नज़ारे से, 5 मंजिली इमारत के ऊपर हम सबसे ऊपर टॉप पे खड़े हैं। सो आप देख सकते हैं सारा नज़ारा, और ये वो जगह है जहाँ पर सूर्य देव की पूजा किया करती थी रानी, जो राजा प्रताप सिंह की रानियाँ थी और भी राजाओं की रानियाँ थी वो सूर्य देव। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहली किरणें पड़ती हैं धूप की। सो चलते हैं नीचे की साइड, और देख सकते हैं आप कलाकारी की तारीफ की जाए तो बहुत ही कम पड़ जाएगी, लेकिन मैं आपको ये जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण जी के जो भगत थे वो यहाँ पर उनकी जो है ना प्रार्थना किया करते थे, जिनका नाम था राजा प्रताप सिंह, और वो बहुत बड़े भगत थे श्री कृष्ण जी के। और यहाँ पर जो है ना आपको जो लाइट दिख रहे हैं, गिलास जो दिख रहे हैं बेल्जियम गिलास हैं ये, और इससे ना लाइट आती थी बहुत ज़्यादा जो अमेजिंग लगती थी उस समय में भी। ये तो फिलहाल अभी बाद में रेनोवेट किया गया है, लेकिन जो पहले के गिलास थे वो भी ओरिजिनल थे। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इन्होंने बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो कलर वगैरह हैं बाद में रेनोवेट होते रहते हैं। इन कुंडों पे जो है एक झूला लटकाया जाता था जहाँ श्री कृष्ण जी झूला करते थे। 300 साल पहले भी आज भी यहाँ पे एक बाजार लगता है, उसको बोलते हैं जोहरी बाजार। 300 साल पहले भी था, आज भी लगता है। तो जोहरी लोग वहाँ से आते थे, यहाँ पे अपने छोटे छोटे दुकानें लगा सकते थे, क्योंकि रानियाँ यहाँ पे आती बाहर देखने, तो रानियों की ज्वेलरी पसंद करके वापस सिटी पहले। तो राजा को फिर बाद में ज्वेलरी को बताते थे कि रानी ने ये वाली ज्वेलरी पसंद की, तो राजा ने गिफ्ट में दिया। इस फ्लोर में मोती बनके हीरे ज्वारा रत्न पन्ने ये सारी चीज़ें रहती हैं, इसलिए फ्लोर का नाम है रत्न मंदिर। रत्न मंदिर 1799 में इस महल को बनाया गया राजा प्रताप सिंह के द्वारा। और मैं आपको बता दूं इसका जो डिज़ाइन जो किया गया है वो लालचंद जी ने किया था, और इस महल को प्लेस ऑफ ब्रिज भी कहा जाता है। सो इन खिड़कियों के कारण हवा महल का जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन सा जो डिज़ाइन किया गया लालचंद के द्वारा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाऊं कि ये जो आप रैंप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी जीना नहीं हुआ करता था, जिससे रानी जो आया करती थी उनकी जो साड़ियाँ और गहने जो हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा भारी हुआ करते थे, इस कारण से जो है वो रैंप से आया करती थी। और मैं ये जो आप जो ये मूर्तियाँ वगैरह जो देख रहे हैं ये किसी जो मंदिर से डिस्ट्रॉय होके आ चुकी हैं यहाँ पर। और चलते हैं आगे की तरफ, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक चीज़ और जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। सो पहले ही आपको मैं बता दूं ये जो है ना रैंप जो है जिस पे राजा का चला करते थे, और इस तरह से रास्ते जो है ना वो आमेर किले में भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक खुफिया रास्ते से हुआ करते थे जहाँ से अगर कोई अटैक वगैरह हो तो राजा को जो है ना जाने में यहाँ से निकलने में आसानी हो। और इस तरह हवा का जो है ना
जो है ना आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जहाँ से हवा आती है बहुत ठंडी ठंडी। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महल है आपको जो है हिस्टोरिकल प्लेस देखने में। अगर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना तो आप ऐसी जगह पर ज़रूर जाएं। सो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आप तक ऐसी वीडियो पहुँच सकें।